पूर्व केंद्रीय मंत्री एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे रीवा, बोले मध्य प्रदेश में 12 से 14 सीटें जीतेगा महागठबंधन, बनेगी महागठबंधन की सरकार। आपको बता दें कि विमलेंद्र तिवारी के अम्मा जी को श्रद्धांजलि देने वे एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे थे। इस दौरान सिटी न्यूज वैन रीवा के विशेष संवाददाता दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन 12 से 14 सीटें जीतने वाला है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहा कि देश में इस समय बदलाव की बिहार चल रही है। केंद्र की भाजपा सरकार की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इस चुनाव में भाजपा ने 400 पार का जो सपना देखा है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। देश में अब की बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। श्री यादव रविवार को अल्पप्रवास पर रीवा आए हुए थे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस नेता विमलेंद्र तिवारी के घर पहुंचकर उनकी स्वर्गीय माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि इस बार का मध्य प्रदेश का बड़ा चुनाव है और परिस्थितियाँ बदली हुई है। वर्तमान सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है और परिस्थितियाँ बदली हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 12 से 14 सीटें आएंगी, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि जनता अब जान चुकी है कि भाजपा देश को बांटने में लगी है। लोगों को आपस में लड़ाकर भाजपा अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है और इस बार कोई गलती नहीं करने वाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार अगर भाजपा की सरकार आई तो देश का संविधान तक बदल दिया जाएगा। और इस बार मध्य प्रदेश में जिस तरह की लहर, क्या 45 सीट भी कितनी आई? मध्य प्रदेश और देश भर में बदलाव की बयान है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, बहुत ही अच्छा चुनाव हम लोगों ने लड़ा है और 19 के अनुपात में अगर आप नजर लगाएंगे अच्छा नतीजा कांग्रेस को। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 12 से 14 सीटें कांग्रेस को। जिस तरह मोदी जी, अमित शाह जी हर समय हर घंटे में एक बार कहते हैं 400 पार, इसके बारे में क्या कहते हैं? 400 पार का जो सपना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव शुरू होने के पहले देखा था, वो उनका सपना धीरे धीरे ध्वस्त होता नजर आ रहा है और लोग महागठबंधन सरकार कांग्रेस की ऑल इंडिया में कुल कितनी सीटें आ सकती है? नहीं, सेल्फ की सीट की बात, गठबंधन तो एक अलग है। लेकिन